हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू गगनदीप किचन। आज हम बनाएंगे व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना कटलेट। इसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। ये मैंने साबूदाना लिया है एक कटोरी, और इसको मैंने ओवर द नाइट पानी में सोख होने के लिए रख दिया था। पानी मैंने इसी के लेवल का लिया था, बहुत ज़्यादा पानी में इसको हम नहीं भिगो के रखेंगे। तो अब मैंने ये दो आलू लिए हैं, इनको भी बॉयल कर लिया है। ये मैंने हाफ कटोरी सूखी मूंगफली ली है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये मैंने कुछ कटा हुआ धनिया लिया है, एक से डेढ़ चम्मच मैंने, ये आपके जीरा पाउडर है, ये एक हरी मिर्च है, ये अदरक के कुछ एक टुकड़ा, इसको फाइनली चॉप कर लिया। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। ये मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, और हाफ टेबल स्पून ही मैं सूखा धनिया यूज़ करूँगी, और ये मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है। इन इन्ग्रीडियंट के साथ फ्रेंड्स आज हम अपना साबूदाना कटलेट की रेसिपी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है। सबसे पहले इसके अंदर हम अपनी मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे। मूंगफली आपको लो टू मीडियम पे ही ड्राई रोस्ट करनी है, अदरवाइज अगर आप हाई पे करेंगे तो मूंगफली हमारी काफ़ी ज़्यादा करारी हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो इसके लिए आप फ्लेम को मीडियम पे ही रखें तो आपकी परफेक्टली ड्राई रोस्ट होगी। इसको हम तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसके जो आउटर लेयर जो इसके छिलके होते हैं वो इससे सेपरेट नहीं हो जाते। ये देखिए फ्रेंड, आपको दिख रहा है कि हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने दोनों हाथों की हेल्प से इसको प्रेस करके इसके सारे छिलके इससे अलग कर लेंगे, और इसको हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे अपने ग्राइंडर के अंदर। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं सबसे पहले हमने क्या क्या डालना है। अब मैं सबसे पहले साबूदाना ले रही हूँ, इसके अंदर बाकी के सारे मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये मैंने मूंगफली ली है एक टेबल स्पून, और साथ ही में ये मैंने एक से डेढ़ टेबल स्पून मैंने क्यूमिन पाउडर लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया था इसको भी। ये मैंने लाल मिर्च ली है, और ये मैंने सूखा धनिया लिया है, और ये स्वाद अनुसार नमक है, और ये अदरक और हरी मिर्च भी हम साथ में ही ऐड कर देंगे, और साथ में कटा हुआ धनिया अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आप डाल सकते हैं। सबसे पहले फिर आलूओं के लिए फ्रेंड मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको हाथों की हेल्प से भी इसको मैश कर सकते हैं, बट अगर आपको ग्रेट करेंगे तो आपको बाइंडिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और हमारे जो कटलेट है वो परफेक्टली बाइंड हो जाए, परफेक्टली शेप के बनेंगे। तो अब ये मैंने अपने जो आलू ग्रेट करके रखे थे वो भी साथ में यूज़ कर देंगे, और अब लास्ट में अपना कटा हुआ धनिया। अब हम दोनों हाथों की हेल्प से ही इसको प्रेस कर करके इसके मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको चम्मच से भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड ये चम्मच से इतना अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, इसीलिए आप कोशिश करें अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश कर लें, और उसी हाथों की हेल्प से ही इस मिक्सर को मिक्स करें। अब ये मेरे फ्रेंड हाथों में थोड़ा सा पानी लगा हुआ था, इसीलिए फ्रेंड ये परफेक्टली इसी तरह से आप इसको राउंड कर करके इसके राउंड शेप में इसको कटलेट की शेप बना सकते हैं। हल्का सा ऊपर से प्रेस करके और साइड के जो इसके वो हैं एजिस को भी इसको प्रेस करके आप इसको टिक्की की शेप या किसी भी शेप का बना के इसको तल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब आपको इसी तरह से मैं एक और बना के दिखाती हूँ। बैटर आप मतलब इसका मिक्सर आप उतना लें जिस जितने भी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाने हैं। उसके बाद इसको जैसे हम आटे की लोई को बनाते हैं उस तरह इसको गोल करके और इसके आउटर जो एजेस हैं उसको हम प्रेस कर करके इनको टिक्की की शेप का बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये सारे के सारे इस तरह से बना के रख लिए हैं। अब ये बाकी इतने से बैटर में मेरे ये 7 से 8 मेरे बन के तैयार हो गए हैं। तब तक मैंने फ्रेंड ये 4 से 5 टेबल स्पून मैंने देसी घी कढ़ाई में गरम कर लिया था। आपका तेल एक बार अच्छी तरह गरम हो जाए उसके बाद अपनी जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम के बीच कर दें, और उसके बाद कटलेट इसमें डाल देंगे, और इसको लो टू मीडियम गैस पे ही हमें पकाना है। हाई पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारे अंदर से जो है वो काफ़ी कच्चे रह जाएंगे और बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसके लिए आप फ्रेंड याद रखें कि फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है, और साथ में आपकी कढ़ाई में जितनी जगह हो उसके हिसाब से थोड़ा कम भी रखें, क्योंकि नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर स्पेस रहेगा तो आपके ये आपस में नहीं चिपकेंगे।
इसी तरह से फ्रेंड्स इसको इनकी साइड चेंज कर करके हम इनको पकाएंगे, फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाली जो लेयर है वो हमारी पकना स्टार्ट हो गई है, तो हम इनकी अब साइड चेंज करते जाएंगे इसी तरह से जिस तरह से आपको दिख रहा है। इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से पकाना है, और 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो ये आउटर लेयर है काफ़ी क्रिस्पी होनी स्टार्ट हो गई है, और इसको 1-2 मिनट इसी तरह से और पकाएंगे जब तक कि हमारा जो आउटर लेयर आपको दिखे वो बिल्कुल गोल्डन कलर की ना हो जाए, तब तक आपको इसको इसी तरह से पकाना है। आप चाहें तो लास्ट में अपनी जो फ्लेम है उसको हाई पे कर सकते हैं, और उस हाई एक मिनट के लिए आप हाई पे इसको फ्राई करेंगे, तो ये बहुत ही प्रॉपर क्रिस्पी और पूरे देखिए आपको दिख रहा होगा कि फूल भी गए हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस और 1-2 सेकंड के अंदर इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड ये हमारे प्रॉपर तरीके से तल गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इनको हम एक किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे जिससे जिसको एक्स्ट्रा जो घी है वो हमारा उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए, और ये बिल्कुल हमारे ऑयल फ्री बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल करारे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं अगर आप इसी तरह से इनको पकाएंगे तो। अब साथ ही में हम इसकी चटनी भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ये कुछ फ्रेंड 1 टुकड़ा अदरक, 1 से 1.5 मिर्च ली है, ये कुछ पुदीने के पत्ते और धनिया है, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा लिया है। अब इसको फ्रेंड हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी फलाहारी चटनी है जिसको आप व्रत में आप बहुत आसानी से बना के रख लें, 3 से 4 दिन बहुत ईजीली ये चल जाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा जो फ्रेंड नमक है वो थोड़ा हाई का ही रखा है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे जिससे हमें उस टाइम इसमें नमक ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो नमक थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं अगर आप बिना दही के भी इसको खाना चाहते हैं तो। ये देखिए फ्रेंड इसको अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद इसमें अब मैं दही मिक्स करूँगी जिससे हमारी ये दही वाली चटनी बनेगी बिल्कुल जैसे मार्केट में हमें मिलती है डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स के साथ, पनीर टिक्का हो गया, चाप टिक्का हो गया, तो बिल्कुल सेम वैसी ही चटनी बनेगी और बहुत ही टेस्टी ये जो बाकी के स्नैक्स हैं इसके साथ जाते हैं। इसमें मैंने 1/4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड कर दिए थोड़े स्पाइस कंटेंट को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड बिलीव करें आप कोई भी स्नैक इस चटनी के साथ खा सकते हैं अपने व्रत में और अपने व्रत के फूड को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड मैंने ये एक एक करके सारे इसी तरह से आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे मेरी आने वाली सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, और प्लीज़ इसको अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।